हेलो क्लास, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द सब्जेक्ट कॉमर्स, क्लास 10, चैप्टर नेम इज बैंक। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ अ बैंक एंड द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ बैंक, डिफिनेशन ऑफ बैंक एंड रिलेशन बिटवीन बैंकर्स एंड द कस्टमर। नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक इज फंक्शन ऑफ अ बैंक। बैंकिंग हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इन फैक्ट बैंकिंग द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न कॉमर्स। इट मे बी सेड दैट द डिपेंडेंस ऑफ कॉमर्स अपॉन बैंकिंग हैज बिकम सो ग्रेट दैट द सेशंस इवन फॉर अ डे और टू of the banker's activities would completely paralyzes the economic life of a nation. From its original narrow scope and modern purpose of taking care of the other people's money and lending a part of it, banking has developed a lot and the performance various functions. It means that banking nowadays play a very important role in the economic development of all the nation of the world. It means that कि जितना भी पूरे दुनिया में जितने भी हमारे नेशन हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई कर रहा है तो वह बैंकिंग। बैंकिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, जिसकी वजह से जो डेवलप होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक भी डेवलप होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो सारे डेवलपमेंट होते हैं जिससे कि हमारी कंट्री में क्या होगा कि मनी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। सेकेंडली इस टॉपिक में क्या बोला गया है कि बैंक जो है वो लाइफ ब्लड है मॉडर्न कॉमर्स के लिए। मॉडर्न कॉमर्स क्या होता है, वो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है जो बिजनेस को परफॉर्म करती है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ तभी पॉसिबल होगी जब बैंकिंग का वर्क जो है वो बहुत ही प्रॉपर लेवल पर होगा, प्रॉपर मैनर में होगा। इसीलिए कहा गया बैंक क्या है, वो लाइफ ब्लड है हमारे किसके, मॉडर्न कॉमर्स के लिए। इट मे बी सेड दैट द डिपेंडेंस ऑफ कॉमर्स अपॉन द बैंकिंग हैज बिकम सो ग्रेट दैट द सेशंस। बैंकिंग एक्टिविटीज़ जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ है वो तभी पॉसिबल होगी, तभी कम्प्लीटली होगी जब हमारी इकोनॉमिक लाइफ जो होंगे हमारे नेशंस की वो भी डेवलप होगा। ये हम कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लाइफ जो हमारे नेशन की वो और बैंकिंग एक्टिविटीज़ दोनों पैरेलल चलती है। अगर बैंकिंग एक्टिविटीज़ सही तरह से काम नहीं कर रही तो इकोनॉमिक लाइफ भी जो होगी हम नेशन की वो भी सही वर्क नहीं करेगी। तो ये चीज़ है। फिर दूसरा हम ये कह सकते हैं बैंकिंग का तो बहुत ब्रॉड स्कोप है, अगर उसका नैरो सिर्फ स्कोप ले या उसका एक मॉडर्न पर्पस ले, वो क्या है कि बैंक जो है वो हमारी केयर करता है, हमारी मनी की केयर करता है, जो चीज़ लेंडिंग दिया जाता है उसकी केयर करता है। अगर बैंक ये वर्क अच्छे से ना करेगा तो लोग अपने सेविंग अमाउंट इसमें नहीं डिपॉजिट करेंगे, ना ही लोन लेंगे। तो हर एक चीज़ बहुत ही प्रॉपर वे से किया जाता है तभी बैंक का जो रोल होता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारे एक मॉडर्न कॉमर्स में, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फंक्शंस को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। कुछ बुक में जो है फंक्शंस को, बैंक के फंक्शंस को प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड से दिया गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो इसीलिए जैसा इस बुक के हिसाब से वैसे ही हम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या है, बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, मॉडर्न बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, इसके जो भी एक जनरल पीपल होते हैं उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। बहुत तरह के डिपॉजिट होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, कई तरह के बैंक, मतलब किस्त, बहुत तरह के अकाउंट होते हैं। उसी अकाउंट के थ्रू जो है कोई भी जनरल पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट करता है। पहला फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है,
इसमें जो है बैंक होल्डर जो अकाउंटेंट होल्डर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हर मंथ या पर मंथ पर ईयर जो है अपना जो है कुछ अमाउंट जो है फिक्स होता है उसको बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। जब वो बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो वो पर्सन जो अकाउंट होल्डर होता है वो तब तक पैसा नहीं विड्रॉ कर सकता, उसमें एक मैच्योरिटी डेट मेंशन होती है। मैच्योरिटी डेट क्या है, जैसे कि हमने एक अकाउंट ओपन किया बैंक में, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जब ओपन किया तो उसमें हम पर मंथ जो है हम 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं। अब हमने ये जब ओपन करने करने के टाइम हमने एक उसमें गाइडलाइन थी कि हम ये 5,000 पर मंथ जो है पूरे ईयर जो है 60,000 जो है वो जमा करेंगे, और 5 साल से पहले 5 ईयर से पहले इस 60,000 को, मतलब 1 ईयर 60,000, 2 ईयर फिर 60,000 डिपॉजिट करेंगे, 3 ईयर फिर 60,000 डिपॉजिट किया जाएगा, तो 5 ईयर से पहले इस 60,000 को क्या किया नहीं निकाल सकते हैं। तो अब बैंक क्या करेगा इस पर, इस अमाउंट पर, इस 60,000 को पर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट देता है। जैसे कि अब उसने फिक्स कर दिया कि वो 8% की रेट से इंटरेस्ट देगा पर ईयर, तो 8% के रेट से, जिससे कि सब जो भी डिपॉजिटर होते हैं उनका मनी जो है वो इंक्रीज होता है। सेविंग बैंक अकाउंट, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, ये हम लोग जनरली जो होते हैं जिनकी जिनकी सेविंग जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है, वो एक अकाउंट ओपन करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट, और अपने स्मॉल अमाउंट जो होता है सेविंग का बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं, जिससे कि दोनों को फ़ायदा होता है। एक बैंक होल्डर होता है उसको भी, बैंक होल्डर ये हम कह सकते हैं अकाउंट होल्डर, जैसे हम लोग हैं अकाउंट होल्डर, तो हम लोगों को भी प्रॉफिट होगा। किस लिए प्रॉफिट होगा, कि हमारा जो सेविंग है जो मनी है वो कहीं और नहीं खर्च हो रहा, हम उसको ले जा करके कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में। वो कोई फिक्स नहीं होता, किसी मंथ में हमने 500 जमा किया, कभी हम 2,000 जमा कर रहे हैं, कभी हम 5,000 जमा कर रहे हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं होता, ना ही इसके डिपॉजिटिंग रेट फिक्स होती है, ना ही इसकी विड्रॉइंग को भी डेट फिक्स होती है, ना ही कोई टाइम। ये होता है कि आप एक दिन में एक बार डिपॉजिट कर सकते हैं, या एक हफ्ते में जो है इतनी बार डिपॉजिट और इतनी बार निकाल सकते हैं। अब तो बहुत सारे गाइडलाइन जो है वो चेंज हो चुके हैं, जो कि RBI करता है। अब ये जो अमाउंट है जो हमारी सेविंग मनी है, पर मंथ भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, ये हम हर मंथ जो है इसको डिपॉजिट कर रहे हैं, और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि किसी महीने में 5 भी हो सकता है, किसी डे में जो है 2,000 भी हो सकता है, 1,500 भी हो सकता है, तो ये हम इसको एक सेविंग अपना यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं। अब बैंक के लिए क्या प्रॉफिट होगा, और दूसरी चीज़ हम अपनी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक इस पर हमको इंटरेस्ट भी देगा। दूसरी चीज़, इससे जो हमारे कंट्री को क्या प्रॉफिट हो रहा है, कंट्री में जो है मनी का सर्कुलेशन हो रहा है। कैसे मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, हम जो पैसे यहाँ पे जमा कर रहे हैं तो ये हमारे बैंक के पास गया, बैंक इस पैसे को कहीं और यूटिलाइज करेगा, तो इससे क्या होगा, सेविंग भी हमारी जमा तो है ही है, इसमें मनी का सर्कुलेशन होगा, मनी जितना भी सर्कुलेट होगी कंट्री में। दूसरी चीज़ की जो है फ्लो ऑफ मनी, एक्सपेंसेस, ये सारी जितनी भी चीज़ इंक्रीज होती, सेविंग जितनी भी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतना ही कहीं और जाके इन्वेस्ट किया जाएगा, इन्वेस्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे होता है तो उस पर इन्वेस्ट करके उसे प्रॉफिट इंक्रीज किया जाएगा, जो कि हमारे एज अ इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो ये जो है हमारे कंट्री के लिए भी हेल्पफुल है, और एक अकाउंटिंग होल्डर के लिए भी हेल्पफुल है। तीसरा पॉइंट है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या है, ये अकाउंट जो है हम ये कह सकते हैं कि ये बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इस पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो नहीं पेड किया जाता है, इंटरेस्ट रेट जो है इस पर नहीं अलाउ किया जाता है, ये लिखा हुआ है। इस पे भी कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं होता है कि कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी पर्सन है जो कि करंट अकाउंट जिसने ओपन किया है वो जो है एक में 5 लाख का, अब कई बार 50,000 का ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, और दूसरी चीज़ कई बार ट्रांजैक्शन कर सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं आज सुबह 50,000 डिपॉजिट किया तो 2 घंटे के बाद उसको निकाल भी सकता है, या 2 घंटे के बाद इसमें और एडिशनल जमा भी कर सकता है। तो इस पर कोई भी फिक्स अमाउंट
नहीं होता, कोई भी मिनिमम लिमिट ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। और सबसे मेन चीज़ ये याद रखना है, इस पर इंटरेस्ट रेट अलाउड नहीं है। होम सेफ अकाउंट हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये भी जस्ट लाइक अ सेविंग अकाउंट है, इसमें भी स्मॉल स्मॉल सेविंग्स जो होती हैं डिपॉजिट किया जाता है। ये होता है घर में ना जमा करके यहाँ पे जमा करें, तो इसका भी इस पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो नॉर्मल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसमें क्या है, रिकरिंग का मतलब होता है जो चीज़ रिपीटेड हो, तो ये भी जस्ट लाइक अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट उसी तरह से है। इसमें भी ये बस फ़र्क क्या है कि इसमें 1 ईयर से लेकर के 7 ईयर्स तक जो होता है, मैक्सिमम मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर। इसमें जो है कोई भी अकाउंटेंट होल्डर जो यहाँ पे मनी डिपॉजिट कर सकते, ये भी मैच्योरिटी पीरियड से पहले नहीं ले सकते। इसमें क्या है कि पर्सनल नेम से भी हो सकता है, कोई भी ज्वाइंट नेम से भी हो सकता है, किसी माइनर के साथ भी ज्वाइन होकर के अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, वो ज़्यादा होता है। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर हम सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में देखें तो ज़्यादा होगा। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट पर मंथ कैन बी ₹500। इसमें क्या है कि 500 मैक्सिमम कितना हम एक मंथ पे जमा कर सकते हैं, 500। अब फिक्स डिपॉजिट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। फिर सेकेंड पॉइंट है एडवांसिंग ऑफ लोन। अब ये हम जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है और इसके अंदर कितने कैटेगराइज होते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।